एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली फूड में आपका स्वागत है। मटर पनीर की सब्जी, जिसके लिए हमने देखिए ये चार छोटे प्याज काट रखे हैं और पांच टमाटर, तीन चार हरी मिर्च, थोड़े लहसुन की कलियां और ये 100 ग्राम मटर, 200 ग्राम पनीर और ये मसाले जो हमने तैयार करके रखे हैं और कुछ धनिया और कुछ कस्तूरी मेथी। इसमें तेल ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें सारे डाल के उसमें थोड़ी भूनेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ी लहसुन, ये सारी हरी मिर्च जो हमने चार पांच ले रखे हैं और ये सारे प्याज। इसमें ये भी सारे टमाटर भी डाल देते हैं। थोड़े इसमें आधे चम्मच नमक डाल के इसको गलाते हैं ताकि इसके अच्छी तरह सारे गल के तैयार हो जाए। हेलो दोस्तों, ये पनीर हमने मार्केट से नहीं लाए हैं, घर पे ही फाड़ कर बनाए हैं। जो हमने दूध घर पे भैंस का ही दूध लेते हैं, उसी दूध का हमने फाड़ के बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल फ्रेश पनीर बना रखे हैं। और आपको भी अगर जानना होगा कि पनीर कैसे फाड़ के बनाते हैं तो आपको ज़रूर मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और बाहर के तो पता नहीं कैसे बनाते हैं, बहुत सिंथेटिक और बहुत नुकसान भी करता है, इसलिए हम जब भी बनाते हैं बिल्कुल घर पे ही पनीर फाड़ के बनाते हैं, मैं मार्केट से नहीं लाती। और मसाले भी ज़्यादातर मैं घर पे ही बनाती हूँ, ये सारे मसाले हमने घर पे बना रखा है, ये मिर्च, ये सारे मसाले, और अपने ही मसाले बनाकर मैं सब्जी बनाती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा इसमें हम पानी डालने वाले हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, तभी ये गल जाएगा अच्छी तरह, तब इसका हम बनाएंगे प्योर। हेलो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हल्दी और मिर्च मिला देने से थोड़ी सी इसकी कलर में और अच्छा लगता है देखने में। अब इसको हल्का सा मैं बाद में थोड़ी सा फ्राई कर दूंगी, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा, क्योंकि हमने घर का ये पनीर है, ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, और थोड़ा फ्राई करने से थोड़ा टेस्ट इसका और बढ़ जाता है। बिल्कुल लाइट फ्राई करेंगे, इसीलिए हमने थोड़ा सा मिला के पहले से ही रखी हूँ। थोड़ा सा प्याज अभी गला नहीं है, प्याज भी अच्छी तरह गल जाए तब तक इसको पकाते हैं, जब तक अच्छी तरह गल ना जाए। अब दोस्तों मैं इसमें ये मसाले ऐड करने वाली हूँ जो हमने आपको दिखा रखा था, ये सारे सिर्फ ये थोड़ा सा गरम मसाला है, इसको बाद में डालूँगी। दोस्तों इसमें ज़्यादा मसाले हम डाल के नहीं बनाते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी हेल्दी बनता है और बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट में बनाते हैं लोग वैसे ही बिल्कुल टेस्टी बनता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों अब मेरा देखिए बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है, अब इसको हम पीसने वाले हैं मिक्सर के अंदर। देखिए दोस्तों एकदम अच्छी तरह, ये देखिए ऐसे ही पीसना है, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए,
अभी थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर मैं डालने वाली हूँ तेल, जो हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसमें थोड़ा सा नमक डालने से ना तो नीचे चिपकता नहीं है उतना, थोड़ा कम चिपकता है, नहीं तो ऐसे पनीर नीचे लगता है चपक में कढ़ाई में। अब इसको मैं बिल्कुल लाइट फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, क्योंकि घर की पनीर है, इसमें तो खुद ही इतना अच्छा है, नेचुरल होता है, इसमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए दोस्तों ऐसे ही, बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए ऐसे ही हल्का हल्का। इसमें बाकी डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें तड़के में थोड़ा सा जीरा, और ये जो मसाला हमने पीस रखा है अब इसको हम डालेंगे। और इसी के साथ है ये मटर डाल देंगे, ताकि मसाले के साथ साथ ये मटर भी भुना जाएगा इसी में। अब इसको हम अच्छी तरह से अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको हम थोड़ा धीमी आंच पे भूनेंगे अच्छी तरह, जब तक ये अच्छी तरह तेल ना छोड़ दे। हेलो दोस्तों, इसमें थोड़ा धनिया भी ऐड कर देते हैं भूनते वक्त ही, और डालने वाले हैं थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा नमक हमने पहले ही डाल रखा था, इसलिए थोड़ा ही डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अभी देखिए, अभी तेल नहीं छोड़ा है, जब अच्छी तरह तेल छोड़ देगा तो समझ लीजिए मसाला बहुत अच्छी तरह भुना गया है। हेलो दोस्तों, देखिए मसाला देखो अच्छी तरह भुना गया है, ये देखिए हल्का हल्का साइड साइड से थोड़ा तेल भी निकल रहा है, देखिए बहुत अच्छी तरह भुना गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम डालने वाले हैं पानी, जो हमने गरम कर लिया है पानी को, इसमें गरम पानी डालेंगे। बहुत मटर पनीर का खाए होंगे, एक बार ऐसे ही बना के देखिए, कढ़ाई पनीर बहुत ही अच्छा बनता है, और मसाले भी बहुत ज़्यादा हम नहीं डालते हैं। और देखिए अब ये थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल देंगे, और थोड़ा सा एक कस्तूरी मेथी है, इसको थोड़ा क्रश करके डाल देंगे, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्टी बन जाता है इससे, इसकी हल्की हल्की धीमी धीमी खुशबू आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। अब इसको एक उबाल तक पकाएंगे, फिर इसमें हम पनीर डालेंगे। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे,
हेलो दोस्तों, देखिए कढ़ाई पनीर बन के रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बना हुआ है। आप इसको पुलाव के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, रोटी के साथ चाहे जिससे मन कहे उससे बना के खा सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और कम तेल मसाले में बनाए हैं, और घर के पनीर बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे डेली फूड को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।